जिले के सुदूर इलाकों में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में अब नहीं होगी परेशानी। जिले को मिलने लगा है अब 10 बाइक एम्बुलेंस। जिले के सुदूर इलाकों के साथ साथ शहर के सकरी गलियों से जुड़े इलाकों में लोग बीमार होने पर बड़ी एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाना एक बड़ी चुनौती का विषय रहता था, लेकिन अब जल्द ही ये परेशानी दूर होने वाली है। कटिहार स्वास्थ्य विभाग को नीति आयोग ने 10 बाइक एम्बुलेंस मिलने जा रहा है, जिससे 2 बाइक एम्बुलेंस का आवंटन भी हो चुका है, जबकि 8 और बाइक एम्बुलेंस जल्द ही कटिहार स्वास्थ्य विभाग को मिल जाएगा। कोरोना काल के बीच मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए ये बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। पहले से भी कटिहार के कई इलाके बाढ़ ग्रस्त होने के कारण जहाँ तक बड़ी एम्बुलेंस पहुँचने में अक्सर परेशानी होती थी, इस परेशानी से निजात दिलाने में ये बाइक एम्बुलेंस बेहद कारगर साबित हो सकता है। बाइक एम्बुलेंस से लोगों को कैसे लाभ मिल सकता है और ये किन सुविधाओं से लैस है, इस पर स्वास्थ्य विभाग के दवा भंडार प्रभारी सह एम्बुलेंस प्रभारी ने विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि जिले के लिए बाइक एम्बुलेंस बेहद कारगर है और उपयोगी साबित होगा। किस महीने में महत्वपूर्ण है? जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा 2 एम्बुलेंस अभी उपलब्ध करवाया गया है और नीति आयोग के द्वारा आवंटन मिला था जिला पदाधिकारी को, उनके द्वारा क्राई करके 2 एम्बुलेंस अभी फिलहाल स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध करवाया गया है। मेरे भंडार में ये अभी रखा हुआ है। 10 आना है, एक सप्ताह के अंदर में 10 आ जाएगा तो फिर ये सारे प्रखंड को आवंटित कर दी जाएगी, जहाँ जहाँ पे उच्च पदाधिकारी बोलेंगे उनको दे दिया जाएगा। और ये एम्बुलेंस इस माने में बहुत अच्छा है कि हमारा जो इलाका है वो इलाका में सभी जगह अभी उतना अच्छा कि रोड नहीं है जहाँ पर, और कि ग्रामीण इलाका है वहाँ पर बड़ी एम्बुलेंस नहीं जा पाती है, तो ये छोटी एम्बुलेंस उस मरीज को लाने में हम लोग को बहुत ज़्यादा सहायता करेगा। क्या इसमें सुविधा? इसमें मतलब कि फर्स्ट एड किट है, यदि कोई बीमार है तो उसको उस समय में तुरंत उसका इलाज किया जा सकता है। यदि उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो इसमें ऑक्सीजन भी लगा हुआ है, सायरन वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है, जो कि एम्बुलेंस में जितना होना चाहिए उतना चीज़ उसमें पर्याप्त है।